सो ये अब कुछ ऐसी लग रही है। सो हेलो गाइस, क्या आप लोग के साथ वो अच्छे होंगे। एंड आज हम अपनी टॉक में करने वाले कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, क्योंकि हम उसके लिए लेकर के इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स हमारे ये रहे और आगे की भी है। LED इंडिकेटर्स अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको, बाकी आपको इनके अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा दूंगा अभी। और ये मुझे कितने के पड़े, क्या पड़े, सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो और ले सकते हो। एंड हमारे जो इंडिकेटर्स थे, मैंने पहले भी उसमें LED लगा रखे थे तो वो ख़राब हो गए थे, तो इसलिए मैं नए ला रखा हूँ। और अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा लगाते हुए कि कैसे आपको फिटिंग करनी है। बहुत ही ईजी है, इतना बड़ा काम नहीं है। सो गाइस, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है। सो चलो आपको मैं इंडिकेटर्स दिखाता हूँ, पहले इंडिकेटर्स की क्वालिटी कैसी है और कैसे लग रहे हो, बाकी फिर आपको गाड़ी भी मिलते हैं। सो गाइस, ये आ चुका हमारे एनटॉक इंडिकेटर, तो मैंने खोल लिया इसको और इसके अंदर हमारे इंडिकेटर है LED इंडिकेटर। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये कुछ ऐसा पैक है, इसके अंदर दो इंडिकेटर्स है बेसिकली, तो चलो इसे खोलते हैं अपनी चाबी से, एनटॉक की चाबी से खोल लेते हैं। ये हमारी एनटॉक की चाबी है, तो देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है और कैसी नहीं है। तो यार ये रहे हमारे इंडिकेटर्स, आप देख सकते हो। तो को डाल लेते हैं पहले फटाफट से। तो यार ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे लगते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये इसका येलो है एंड ये इसका रेड है, मैं अभी आपको चला के दिखा दूंगा एक बार। और ये भी इसका दूसरा इंडिकेटर्स हैं, तो मतलब तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी, प्रीमियम क्वालिटी है, तो सही है वैसे, अच्छा है। स्क्रू भी दिया हुआ है और आप क्वालिटी देख सकते हो इसकी, काफ़ी अच्छी है। सो यार ये कुछ ऐसी पैकिंग में आया हमारा, एंड इसके अंदर हमारे दो इंडिकेटर्स हैं, तो ये बाहर का मैंने खोल दिया था। एंड ये खोल लेता फटाफट से, तो देख लेते कहाँ हैं। ओहो, काफ़ी अच्छी पैक कर रखा उन्होंने। तो यार इन्होंने ये दो छोटे छोटे से इंडिकेटर्स दिए हुए हैं इसके अंदर, इसे फाड़ने में दिक्कत हो रही है। ओके, अरे भाई गाइस, ये देख सकते हो आप, ये रहे हमारे इंडिकेटर, क्योंकि एनटॉक में हमारी जो फ्रंट में है तो ये लगेंगे, एंड बैक के लिए हम ये ला रखा है जिसमें आपको मैंने अभी दिखाया है, रेड DRLs एंड येलो, सॉरी येलो ये है और रेड ये है। तो बाकी आप देख सकते हो इनकी क्वालिटी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है अभी, बाकी अभी लगा के चेक करेंगे भाई कैसा है। इसकी तो मैंने आपको दिखा दी है, तो मुझे बहुत बेस्ट लगे हैं, एंड इनकी ब्राइटनेस अभी लगा के चेक करेंगे हम। तो फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, और मैं आपको पहले गाड़ी में दिखाता हूँ कि मेरे कौन से इंडिकेटर से। पहले ही मेरे LED लगे हुए हैं, बट वो दूसरी क्वालिटी थोड़ी, ये थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम है। तो पहले मैं आपको अपने पुराने दिखाता हूँ और फिर इनको लगाते हैं फटाफट से। तो क्या जी, अपनी एनटॉक खड़ी यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि इसमें कौन से इंडिकेटर्स लगे हुए आगे। इनकी ब्राइटनेस भी ठीक है, देखते आप, ये भी LED इंडिकेटर्स हैं, बट मुझे थोड़ी और ब्राइटनेस चाहिए थी, मैंने ले ली। और ये मेरा राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का है मेरा। तो ये आप देखते हो, ये पुराने इंडिकेटर्स हैं, कुछ क्वालिटी इनकी ऐसी है, और इसके अंदर भी LED बल्ब्स हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और बाकी तो आपको मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये अपनी गाड़ी में लगा हुआ है प्रोजेक्टर। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन में आ रहा होगा, तो आप देख सकते हो हमने कैसा फिट करा था और कैसा लगाया था और कैसी परफॉर्मेंस इसकी, काफ़ी अच्छा है ये। 2 साल से ऊपर हो चुका है मेरी गाड़ी में इसको, तो अभी तक बहुत बढ़िया यूज़ हो रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने पीछे के इंडिकेटर्स। तो यार ये अपने पीछे के इंडिकेटर जो ख़राब हो चुके हैं, ये भी इसमें रेड DRLs थे, तो ये ख़राब हो चुके हैं। और ये एक साइड का आप देख सकते हैं कैसा हो गया, बिल्कुल ही इसका शीशा ही गायब हो गया। तो यार इसकी भी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी थी वैसे, बट अभी थोड़ा शीशा ख़राब हो गया इसका, तो हम इनको फटाफट से चेंज करते हैं और ये निकाल के हम दूसरे वाले लगाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो अभी कुछ ऐसे लग रहे हैं बेकार से, ये तो पूरा ही ख़राब हो चुका है। पर ये भी अच्छे चले काफ़ी, मेरे 1 साल तो चले हैं ये भी मेरे, काफ़ी 1 ईयर चले हैं। और देखो तो आप इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी काफ़ी अच्छे थे, प्रीमियम थे भी, 500 रुपीज़ के लिए थे मैंने ये दो, एंड इसमें रेड DRLs थी। तो अब चलो फटाफट से इसमें लगाते हैं बिना किसी देरी करे नए इंडिकेटर्स। सो गाइस फाइनली हमने इसके लिए ले लिए हैं टी वगैरह, और अब हम इसकी डिग्गी खोलेंगे
और डिग्गी खोलने के बाद इसके सबसे पहले स्क्रू खोलने पड़ेंगे हमें। ये चार स्क्रू खोलने हैं इसके, ये रहे, तो ये खोल लेते हैं फटाफट से, सामान हटा देते हैं इसे। पैना निकाल देंगे और अब इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे सिंपली हमको ये खोलना है ऐसे। ये हमारे पुराने इंडिकेटर्स एलईडी वाले, जिनकी ब्राइटनेस, इनकी भी काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस थी बट थोड़ी कम है इनकी, तो अभी निकाल के दूसरे लगा देंगे जो मैं नए वाले ला रखे हैं। ये हमारे पुराना है और ये हमारा नया है, देखते दोनों में फ़र्क। सो चलो लगाते हैं ऐसे फटाफट से, देखते हैं ऐसे जला के। और देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस कितनी तेज है, ये आपको दिख रही होगी। तो इसे फिट कर देते हैं अब, तो बस करना कुछ नहीं है हमें, यहाँ जाके इसको ऐसे ना डाल देना है। एंड दूसरा भी ऐसे करेंगे, दूसरे को भी खोल के ऐसे लगाएंगे। सो ब्राइटनेस देख सकते हो आप इसकी कितनी ब्राइट है ये, तो इसे भी ऐसे लगा देंगे। सो लग चुके हैं दोनों के दोनों, और इनकी ब्राइटनेस दिखा देता हूँ आपको। तो अभी मैंने आपको अपने पुराने वाले भी दिखाए थे और इनकी देखते हो आप बहुत तेज़ ब्राइट है। और ये हमारा लेफ्ट साइड का है, चलो अब इसके इसे फटाफट से फिट कर देते हैं। और ये हमारे किसी काम के नहीं है, मेरे देते हैं जल्दी। तो कहते हमने एलंकी ले लिया, अब एलंकी से हमें ये स्क्रू खोलना है इसके, क्योंकि ये हमें अलग करना पड़ेगा यहाँ से। तो इसे फटाफट से खोल के अलग करना पड़ेंगे, बस पहले ये खोल लेते हैं। तो अभी से सारे स्क्रू खोल दिया हमने, उसको ऐसे निकाल लेंगे आराम से, बस ऐसे ऊपर कर लेंगे। और अब देख लेते हैं इंडिकेटर्स वगैरह का, तो इसे खोल लेते हैं फटाफट से पुराने इंडिकेटर्स अपने। तो बस आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिकेटर हमने लगा दिए हैं, और अब इसकी वायरिंग कर लेंगे हम। अभी इंडिकेटर के एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, वो बाद में करेंगे, फिलहाल तो गाड़ी थोड़ी अच्छी सी लग रही है अभी। चलो फटाफट इसकी वायरिंग लगा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली इंडिकेटर लग चुके हैं, और इंडिकेटर कुछ ऐसे लग रहे हैं, दिखा जरा कैसे। तो ये इसकी DRL से जो ब्रेक से कनेक्ट करी हमने, इसके साथ चल रही है जो ये, और आपको इंडिकेटर चला कर दिखाएंगे। तो इसका ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है, जिसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं कितनी ब्राइट है, और ये राइट साइड, तो यार काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। इधर देखो लेफ्ट का, तो यार बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है इनकी, आप देख सकते हो अभी। एंड मैं एक बार आपको रात का भी दिखा दूंगा, नाइट में कैसे लगते हैं।
तो फटाफट सब गाड़ी पैक कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सारा काम कंप्लीट हो चुका है गाड़ी, हमने पूरी गाड़ी बंद कर दी है और अब हमारी गाड़ी का कुछ लुक इस टाइप का आ रहा है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है। सो गाइस हम आ चुके हैं फिर से अंकल जी के पास। इस पे? हाँ, इसी पे लगाओ। और अभी हम इसको करा रहे हैं स्मोक ब्लैक, एकदम बिल्कुल ब्लैक। गाइस आपको यहाँ पे दिख सकती है, इसमें हमने स्मोक करी हुई है और ये विदाउट स्मोक है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। इतनी प्यारी लग रही है वाली, और अभी इसके ऊपर भी अब स्मोक होगी फटक से। तो अब दोनों इंडिकेटर्स में हमारी टेप लग चुकी है और अभी इसकी कटिंग हो रही है। तो यार बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों कटिंग होने के बाद। सो ये अब कुछ ऐसी लग रही है। तो भाई देख सकते हो आप, हमने लगा दिए हैं दोनों इंडिकेटर पर स्मोक टेप। अब हम आपको इंडिकेटर ऑन करके दिखाते हैं कैसी लगती है। सो यार देख सकते हो आप, कुछ इस तरह की लग रही है। तो आगे के इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हो कितने ब्राइट हैं, और अब कुछ लुक ऐसा आ रहा है इसका।